Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'll be discussing more legal terms and phrases with you. Let us start. First, leverage. Leverage, what do you mean by this term? It generally means ki when you borrow money for buying property or for purchasing any business asset and you use that borrowed money. This is a leverage. Is it clear? लेवरेज क्या है कि आप अपने प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए या कोई बिजनेस एसेट्स खरीदने के लिए पैसे बोरो किए थे नाउ यू आर यूजिंग दैट मनी. सॉरी. सो इट मीन्स जो आप मनी बोरो कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो किसके इक्वल है? That is equal to a high percentage of the value of purchased property. Is it clear? तो it means आप ज़्यादातर funds हैं वो borrow कर रहे हो जो कि आपको ज़रूरी चाहिए थे एक real estate को buy करने के लिए या फिर आपको एक business assets को buy करने के लिए. Is it clear? अब इनका जो ये high leverages है, what is the danger of it? इनका क्या वो risk क्या है? ये ओवर अप्रेज, ये क्या होता है कि आपके जो इनका डेंजर है दैट इज़ अ ओवर अप्रेजल ऑफ द प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई अ लेंडर. अ डिक्लाइन इन द, ये भी हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी में डिक्लाइन हो जाए. ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि जैसे इंश्योरेंस टैक्सेस मेंटेनेंस वगैरह का है वो आपके इनकम से ज़्यादा एक्सीड हो जाए. That is a leverage. Next legal term is levy. Now what do you mean by the term levy? Levy means, अगर हम general बात करें कि हम कहते हैं impose करना. Is it clear? To impose. So it means आप officially किसी से money demand कर रहे हो. Is it clear? अब ये है कि अगर आप नहीं दे रहे हो, कोर्ट की एक जजमेंट थी कि मनी पे करनी है एक लॉ सूट में, आप नहीं कर रहे हो तो वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लेवी. नेक्स्ट इज ल्यूड एंड लैशवियस. ल्यूड एंड लैशवियस. अब ये जो है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोस्टिट्यूशन. जो लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, बट वो लोगों को ये है कि दे आर नॉट मैरिड, आर नोन नॉट टू बी मैरिड. इज इट क्लियर? सो वो क्या करते हैं कि इनडिसेंट एक्सपोजर करते हैं. नेक्स्ट इज दी लाइबिलिटी. लाइबिलिटी, अब सबने सुना है कि लाइबिलिटी क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? तो है कि आप पे, इट मींस कोई आपने एक्ट किया है, यू हैव डन समथिंग, उस पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ अ लाइबिलिटी. आपने एक्सीडेंट कमिट कर दिया, उसके लिए यू आर लाइबल. आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ तो यू आर लाइबल फॉर दैट. कोई आपके दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वन ऑफ द पार्टीज हैड मेड अ ब्रीच, सो ही इज़ लाइबल टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी. इज इट क्लियर? सो दिस इज़ अ लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज लाइबल. लाइबल मीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है. हु इज रिस्पॉन्सिबल? ही इज़ अ लाइबल फॉर दी. इट मे बी एनी पर्सन, इट मे बी एनी एंटिटी. इज इट क्लियर? नाउ लीबल. लीबल मीन्स, देखो, डेफामेशन का ही एक पार्ट है. इट इज़ अ काइंड ऑफ डेफामेशन. डेफामेशन जनरली दो तरह की होती है, लीबल एंड स्लेंडर. तो डेफामेशन क्या है? फर्स्ट, डेफामेशन एवरीबडी नोज कि किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, दैट इज़ अ डेफामेशन. नाउ व्हाट इज़ लीबल? लीबल क्या है? जब आप किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो थ्रू वर्ड्स, प्रिंटेड पब्लिश्ड वर्ड्स, ठीक है, दैट इज़ अ लीबल. नाउ सो यू कैन से इट इज़ इन अ रिटन फॉर्म. नाउ स्लैंडर, आई हैव टोल्ड यू स्लैंडर ऑल्सो. स्लैंडर क्या है कि जहाँ पे आप रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो बट वो पब्लिश नहीं करवा रहे हो. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लेबल. वेयर आप पब्लिश करवा रहे हो डेफामेटरी स्टेटमेंट को, आप प्रिंट करवा रहे हो, पब्लिश करवा रहे हो, ब्रॉडकास्ट करवा रहे हो,
नाउ लेबल पर से, वही सेम थिंग है कि जब आप एक किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हो, गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो, ठीक है। अब मैंने कहा ए ने चोरी की है, जबकि ए ने चोरी नहीं किया और मेरे को ही पता है ए ने नहीं चोरी की है, मैं उसके लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करवा रही हूँ, दैट इज़ अ लीबल पर्सन। लिबर्टी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिबर्टी? एक तरह से फ्रीडम है, हम सब चाहते हैं कि हमें लिबर्टी मिले, हम अपनी मर्जी से चलें। तो दैट इज़ द थिंग कि फ्रीडम क्या है अगर हम लॉ में बात करते हैं, लिबर्टी क्या है अगर लॉ में बात करते हैं, इट इज़ द सेम थिंग। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट मीन्स कि किसी से कोई हमारे काम पे, कोई हमारी राइट्स पे कोई रोक ना लगाए, इज इट क्लियर? एंड पावर टू फॉलो वन विल टू चूज, सॉरी गाइस, and power to follow sorry guys it means हम liberty की बात कर रहे थे। तो liberty क्या है? freedom it is just कि हम अपनी मर्जी से कोई भी काम करें, जो भी हमें करना है, we should choose our course of conduct, clear? is it clear? so liberty की हम बात कर रहे थे, ये क्या है कि दूसरों को हार्म ना पहुंचाया जाए, किसी की किसी के राइट्स पे रोक लगा के किसी को ये कहना है कि ये काम नहीं करना या ये काम करना है, विच इज़ इलीगल, ठीक है, दैट इज़ अ लिबर्टी। नेक्स्ट इज़ अ लाइसेंस। लाइसेंस क्या है? एक तरह की परमिशन है। अब ये कि देखो, ये जो आपको लिक्वर का बिजनेस है उसके लिए यू नीड अ लाइसेंस, तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए उसके लिए, एक पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए, इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लाइसेंस। किसी भी काम को ड्राइविंग करने के लिए यू नीड अ लाइसेंस, दैट इज़ अ लाइसेंस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज अ लाइसेंसी। लाइसेंसी कौन है? जो लाइसेंस दे रहा है, सॉरी आई एम सॉरी सॉरी लाइसेंसी इज अ पर्सन जिसको लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंसर जो लाइसेंस देता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई है, कोई अगर प्राइवेट पार्टी भी है, लाइसेंसर हो गया। सो लाइसेंसी इज़ द पर्सन टू हुम द लाइसेंस इज गिवन एंड लाइसेंसर इज़ अ पर्सन टू हु गिव्स अ लाइसेंस, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ अ लाई डिटेक्टर टेस्ट। व्हाट इसके बारे में सबने सुना होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है? ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है, इसको प्रॉपरली पॉपुलरली पॉलीग्राफ टेस्ट भी बोला जाता है। क्या इसमें क्या है, पर्सन से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अगर कोई अब क्रिमिनल डिफेंडेंट है या विटनेस भी हो सकते हैं, उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते कि लाई डिटेक्टर टेस्ट दो। कुछ जो लायर्स हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेते हैं। जो इनोसेंट्स हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं, दे फेल टू पास दिस टेस्ट। वाई? क्योंकि वे दे आर ऑनेस्ट ड्यू टू नर्वसनेस एंड अदर फैक्टर्स, इज इट क्लियर? तो जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये यूजुअली ये रिज़ल्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है, दे यूजुअली बिलीव द रिजल्ट्स जो क्लियरली एक सस्पेक्ट पता लग जाता है कि ही इज़ अ सस्पेक्टेड और नॉट, इज इट क्लियर? सो दिस इज़ अ लाई डिटेक्टर टेस्ट। नेक्स्ट इज़ अ लेन। लेन में पहले, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैं काफ़ी उसमें मैंने ये लेन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, लेन क्या है? टू रिटेन। आपके पास आपको किसी ने अपने गुड्स रिपेयर करने के लिए दिए थे, अब वो जब वापस लेने आ रहे हैं, आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम यू कैन रिटेन दी गुड्स। वो गुड्स आप अपने पास ही रख सकते हो अनटिल आपको उसके रिपेयर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, इज इट क्लियर? अब प्रिंसिपल एजेंट है, अगर एजेंट को प्रिंसिपल उसके ये जो भी है सैलरी है वॉट एवर जो भी वेजेस हैं उसके वो नहीं पे कर रहा है, देन ही कैन रिटेन दी गुड्स और प्रॉपर्टी। कोई पे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास अगर प्रिंसिपल के, ही कैन रिटेन, इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लेन। नेक्स्ट इज लेनियर। जो पर्सन किसी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जैसे कि अब जैसे कि है कि मैंने प्रिंसिपल एजेंट कहा तो एजेंट इज़ अ लेनियर। लाइफ एस्टेट। लाइफ एस्टेट मीन्स अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो,
इट मीन्स कि इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रॉपर्टी फॉर द लाइफ ऑफ लाइफ फॉर दी फॉर वंस लाइफ, किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि तुम्हारी लाइफ तक तुम्हारे पास रहेगी जब तक तुम जिंदा हो, दैट इज़ अ लाइफ स्टेट, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे बच्चों के पास चली जाएगी, इज इट क्लियर। लाइफ विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल, लाइफ विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल मीन्स कई बार क्या होता है, किसी को कोई क्रिमिनल्स हैं, सो इट मीन्स जहाँ पे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती है डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट, सॉरी कि उनको ये पनिशमेंट दी जाती है कि पूरी की पूरी लाइफ जितनी उनकी रहेगी है वो कहाँ पे रहेंगे, प्रिजन में रहेंगे, एंड दे डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ पैरोल, ठीक है, पैरोल की ऑप्शन नहीं है, पैरोल एवरीबडी नोज़ की पैरोल क्या है कि ड्यूरिंग दी सेंटेंस जब भी उनको पनिशमेंट मिल रही है तो कुछ टाइम वो अपना जेल से बाहर स्पेंड करते हैं, ठीक है, उनको उनके कॉन्डक्ट देख के उनको पैरोल दे देते हैं। तो लाइफ विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल मीन्स कि उन्होंने इतना विशियस क्राइम किया है कि पूरी की पूरी लाइफ वो जेल में रहते हैं, ठीक है, दे थ्रो इन, आप ये कह सकते हो उनको प्रिजन में थ्रो कर देते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ पैरोल। सो गाइस, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कमिंग अप विद मोर लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस। थैंक यू।